मुखिया जी ने कितना किया विकास, क्या इनके विकास कार्य से स्थानीय जनता है संतुष्ट। हम दिखाएंगे आपको वार्ड से लेकर टोला महला का विकास, कितना हुआ विकास और कितना हुआ विनाश, सिर्फ और सिर्फ न्यूज फॉर लाइफ। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी दरमियान हम अभी पहुंचे हैं हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत में। इस वक्त मैं मौजूद हूं पियाउर पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 में और यहां के स्थानीय जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना जो नल जल योजना है वो कितना धरातल पर है, सड़क की क्या स्थिति है, तमाम विकास के कार्य पर हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितना विकास हुआ है। पानी रहत लोग रोड बन गए आ कुटपुर से आवत जात बालो, नल जल के पानी एने टूटी लगा लग फिर उखड़ गए रोड बनल है। भाई बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया हुआ है, जो भी काम हुए बहुत बढ़िया। पहले बहुत गजन और पानी गिराने का साधन नहीं रहा, पानी गिराने का इधर उधर हल्ला गुली होता रहा, अब कोई हल्ला गुली नहीं है, बहुत बढ़िया से नाला बन गया। नल जल का पानी उन्हें आप लोग को मिलता है कि नहीं? नल जल का तैयार हो गया ना, तो अब सप्लाई अब 1-2 दिन से चलता है बढ़िया चल रहा है। ये तो पूरा खंडहर टाइप के था, जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, ये इधर भी रास्ता खराब हो गया था तो ये नाला वाला बन गया, पानी अब रास्ते में नहीं गिरा है तो कुछ तो सुविधा तो है, बहुत सुविधा है। वार्ड नंबर कितना आपका? ये 6 नंबर है। राशन अवेलेबल हमने चाहिए आ नहीं है, कारण का बा इंक्वायरी आता है तो इंक्वायरी में बोल देते हैं लोग इनके पक्का का मकान है, इनका ये मकान है, ये मकान है, वैसा वैसा मकान गांव में कितना लोगों का पड़ा है, उन लोगों को मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। तो चलिए, हमने आपको दिखाया कि पियाउर पंचायत में जो मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया गया था उसके उससे कितना यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, ये तो हम आपको दिखा दिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की होती है जो बसंत नगर से पियाउर जो कनेक्टिंग करता है रोड वो अभी अधूरा है, उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। ये मीडिया में भी कई बार खबरें आई थी कि ये जो रोड है पूरी तरह से बदहाल है। अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं इस पंचायत के मुखिया अनिल सिंह, उनसे हम जानेंगे कि सर आखिरकार ये जो रोड है काफ़ी दिनों से बदहाल पड़ी हुई है, आखिर कारण क्या है कि ये रोड नहीं बन पाया आपके द्वारा? जी ऐसा बात है कि कितना बार मेरे द्वारा बताया भी गया था, जो ज़मीन जो है ये सरकारी ज़मीन ना होकर प्राइवेट ज़मीन है, लोग का निजी ज़मीन है। अब बताइए सर कि निजी ज़मीन में अगर कोई स्वेच्छा से सड़क के लिए ज़मीन देगा तभी ना इस पर काम कराया जा सकता है, उस स्थिति में इस सड़क का नापी कराया गया था। लोग आकर हमसे बोले कि मुखिया जी इसमें काम हम लोग नहीं कराने देंगे, हम बोले कि भाई समस्या क्या है, आप समस्या बताइए। बोले कि नहीं हमारा निजी ज़मीन है उसमें हम रोड नहीं बनवाने देंगे, जिसके कारण ये रोड नहीं बन पाया है इसका मुझे दुख है। और इस रोड से देखिए सबसे ज़्यादा हम ही लोग को फ़ायदा है, हमको भी है, चूँकि हमको प्रखंड मुख्यालय पर जाना होता है, थाना पर जाना होता है, हमारा प्रखंड मुख्यालय थाना वहीं है हसनपुरा में, जो कि मात्र की यही रास्ता है जो आसान है। लेकिन कुछ लोग के ज़मीन न देने के कारण ये जो रोड जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या आपके द्वारा इस तरह के पहल नहीं किया गया था कि ताकि ये रोड बन जाए, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले? सर पहल किया गया था, कुछ लोग इच्छुक भी हुए थे, लेकिन देखिए सभी एक समान तो होते नहीं हैं और एक आदमी का ज़मीन है नहीं, चूँकि बहुतों लोग का ज़मीन है। अब देख भी रहे हैं सड़क जो है देख रहे हैं, इसमें ना एक समुदाय की ज़मीन है ना एक आदमी की ज़मीन है, बहुत लोग की ज़मीन है। कुछ लोग एग्री हुए थे और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बनेगा, इसका एस्टिमेट भी मेरे पास है, नापी करा कर एस्टिमेट हम बनवा दिए थे मनरेगा के तहत, लेकिन लोग बनने नहीं दिए। क्या अगर यहाँ के स्थानीय लोग से फिर, चूँकि चुनाव है, आप एक बार मिलकर उनसे पहल करेंगे, अगर वो लोग जागरूक होते हैं यहाँ के रोड बनवाने में इच्छुक होते हैं तो क्या आपके द्वारा इस रोड को बनवाया जा सकता है? जी जी, आज अभी मैं आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ कि अगर ये लोग आज अगर इच्छुक हो जाए, हम अनिल सिंह ये वादा करते हैं आप लोग से कि कल से इसमें काम लगवा देंगे।
चूँकि एस्टिमेट मेरे पास पड़ा हुआ है, मनरेगा से एस्टिमेट बना हुआ है, इसका हम एस्टिमेट बनवा कर ऑलरेडी रखे हुए हैं, लेकिन अगर लोग इच्छुक होंगे तो काम कराने में हमको कोई असमर्थता नहीं। चलिए, ये तो समस्या चूँकि दिखाई दे रही है कि क्यों नहीं बनी, लेकिन अब हम जानेंगे आपसे कि 5 साल यहाँ की जनता आपको मौका दिया था, जब हमने आपके पंचायत में पूरी तरह से सर्वे किया तो वहाँ के कुछ लोगों द्वारा ये जरूर कहा गया था कि इस पंचायत में बहुत अच्छा से विकास किया गया, जो पहले की अपेक्षा इस बार अच्छा हुआ है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने यह भी बताया कि नाला से लेकर और नल जल का जो टूटी है वो टूटा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि नाला आपके यहाँ का प्रॉब्लम था कुछ जगहों पर, उसको लेकर क्या? हाँ, देखिए, हो सकता है कोई लोग कहे होंगे कि नाला का प्रॉब्लम है। देखिए सर, हकीकत यही है कि जो भी लोग होते हैं, मुखिया हो, विधानसभा विधायक हो या MP हो, जो भी लोग हैं, सारे काम एक साथ पूर्ण कर नहीं सकते। अच्छा, अब रहा सवाल नाली का, कुछ लोग बोले होंगे कि नाली हमारे पास नहीं बना हुआ है, हमारे यहाँ नहीं बना हुआ। तो सर देखिए, पंचायत में दिक्कत क्या होता है, कुछ लोग तो कह देते हैं कि नाली बनवाना है, जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे नापी उपी कराने के लिए, इंजीनियर को लेकर जाते हैं, नापी करवाते हैं, तो बगल के लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा प्राइवेट ज़मीन है, इसमें नाला नहीं बनाने देंगे। हम लोग वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कोई किसी को, कोई भी मुखिया है उसको शौक नहीं लगा है कि हमारे पंचायत में विकास ना हो। सभी लोग चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के विकास करें, बढ़ चढ़ के काम करें, ताकि फिर दोबारा हमको पब्लिक जो है समर्थन करे और हम मुखिया बने। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, उसको लेकर आपके पंचायत में कितने नंबर, कितने वार्डों में यह सुचारू रूप से चल रहा है और कितने अभी वार्डों में ये अधूरा काम बाकी है? देखिए सर, कहने का तो है मुख्यमंत्री नल जल योजना, इसमें मेरे यहाँ लगभग 6 से 7 वार्डों में पानी सुचारू ढंग से चल रहा है, और जो भी वार्ड है जो वंचित है पानी से, उसका कारण है बिजली कनेक्शन ना होना। ये एक बड़ी बड़ी समस्या है, अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है। जहाँ पे 1-2 पोल लगवाना है वहाँ पोल नहीं लगा है, तो जब तक बिजली कनेक्शन नहीं होगा तब तक नल जल चालू करना असंभव है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि हम आपसे वादा करते हैं कि अगर बिजली कनेक्शन पोल लग जाए तो 10 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे वार्ड में पानी गिरेगा, ये मेरा दावा है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये जो रोड है क्यों नहीं बन पाया। आप यहाँ के हैं चाचा? जी हाँ। जहाँ आप खड़े हैं इसका क्या स्थिति है, यहाँ के विकास उकास के बारे में क्या कुछ जानते हैं? विकास तो जो होना है हो ही रहा, ये जो रोड का काम है तो प्राइवेट जमीन है, लोगों का अपना जमीन है, वो देंगे तभी बनेगा, नहीं देंगे तो कैसे बन सकता। चलिए, ये तो मामला अलग है। ये बताइए कि मुखिया जी के द्वारा आपके आपके पंचायत में किस तरह का अभी तक विकास किया गया है? देखिए, विकास तो जो है वो है, सामने है और हो ही रहा है। ये 2 बार मुखिया बने हैं, तो 2 बार कोई बनता है अपने कुछ कारण होता है बनने का, तो दोबारा चांस मिलता है। जिनको नहीं अच्छा होता है वो दोबारा चांस नहीं मिलता है, ये पहली बार। विकास कैसा भइल बा रउवा यहाँ? जो भी विकास भइल बा ठीक है भइल बा बाबू, मगर रोड के बात बन तो रोड से बता, हमनी के गवर्नमेंटी रोड ना हो, सरकार के रोड ना हो, इस तरह से बता चली, जो जमीन बाबू ना दी तो मुखिया जी पर लड़ाई ना करें, मार ना करें, बात समझ लीजिए ना। इसी वजह से रोड रुक गई बा, बाकी है रोड इतना भाव है उतना निकल गई बा, कुछ बना था आप जाके देखिए। हाँ, विकास में तो बढ़िया विकास हो रहा है, विकास अच्छा भइल बा। हाँ, चलिए ठीक बा। मुखिया जी से हम एक बात पूछेंगे अब। मुखिया जी, ये बताइए कि अगर यहाँ पे फिर से आपको जनता, चूंकि जनता बता रही है कि 10 सालों से आप मुखिया हैं और काम अच्छे कर रहे हैं, इसीलिए शायद मुखिया आप बने भी हैं, लेकिन हम सवाल ये करेंगे कि फिर से अगर आपको जनता इस पंचायत की मुखिया बनाती है तो 3 कार्य आपके पंचायत में कराइएगा जनता के हित में हो। वो देखिए, सबसे पहले तो हम ये अपने से बताना चाहेंगे कि अगर जनता समर्थन करती है मुखिया बनते हैं, मेरा पहला कार्य जो होगा और किया भी हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, ये जो हमारे विकास के मद में नहीं आता है, सरकारी विकास मद योजना है, विधायक मद से जो भी काम किया गया है मेरे द्वारा ही किया गया है। और देखिए, मुखिया तो अपने फंड का काम कराता ही है, जो भी मुखिया है अपने फंड का पैसा का जो भी कार्य होता है वो कराता है।
आदमी को होना चाहिए कि दूसरे मद का पैसा जो लाकर अपने पंचायत को डेवलप करे, विकास करे, उसको कहते हैं मुखिया। ऐसा ना कि हम अपना फंड का काम करा दिए, अपने घर में सो गए, वैसे मुखिया रहने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आप घूमिएगा, हमारे पंचायत में देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अनिल सिंह अपने मद से जो काम कराए हैं वो तो कराए ही है। सरकारी मद का जो पैसा है, मुख्यमंत्री मद का जो पैसा है, वो सब अपने पंचायत में लगाया गया है और हम लाकर बाहर से लगाए हुए हैं। विधायक चाहे जो भी हो, आरजेडी हो, भाजपा के हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। हमको मतलब रहता है कि हमारे पंचायत का विकास कैसे हो, इस पर मेरा पूरा फोकस होता है। ये चुनाव नज़दीक है, आम जनता से, अपने पंचायत वासियों से आप क्या अपील करिएगा? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि अपने मन से, अपने दिल पर हाथ रख के वोटिंग करें। जो भी प्रत्याशी उसको उचित लगे उनको वोट दें, अपने पंचायत का विकास कराएं, ये मेरा सभी लोग से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल जी। प्यावर जो है गांव, वो कनेक्ट करती है, चूँकि इसी रास्ते से जो प्रखंड है वो बहुत नज़दीक पड़ता है और यहाँ के लोग भी काफ़ी इस रोड से त्रहिमाम है। लेकिन मुखिया जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया इस रोड को बनाने के लिए, लेकिन मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा कि ये प्राइवेट ज़मीन है, अगर लोग यहाँ के जो चाहेंगे कि इस रोड में सड़क निकल जाए, अगर वो हमसे बात करेंगे या हम भी उनसे बात करेंगे, अगर लोग आज अगर कह दें कि उस रोड को बनवाना है, इच्छुक हैं आप लोग, तो इस रोड को बनवाने के लिए तैयार हैं मुखिया जी। बहरहाल अब देखना होगा ये कि चुनाव भी नज़दीक है, क्या ये रोड बन पाता है या फिर चुनाव तक ये रोड ही मुद्दा रहेगा इस पंचायत का। आने वाला वक्त बताएगा कि फिर इस पंचायत के मुखिया कौन बनता है।